his head open like a cork. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताऊंगा, जिनमें से ये है कि आपको अपडेट में क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं और उनमें से क्या क्या चीज़ें, मतलब जैसे कि ट्रेनिंग रूम है और उसके साथ कलारी मैप है, जो कि मेन चीज़ें हैं, लेकिन वो गेम के अंदर आई तो हैं। आपको वहाँ पर जब जहाँ से आप मैचिंग करते हो, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हो, वहाँ पर तो आई हुई हैं, लेकिन आप वहाँ से उन्हें सेलेक्ट नहीं कर सकते, उन खेल नहीं सकते। ठीक है ना दोस्तों, आप सबको पता होगा कि मतलब कलारी मैप पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो उसके बाद वो कुछ द मूड इज़ नॉट ओपन येट लिख देता है। तो इसी तरह से कुछ और भी मतलब चीज़ें हैं, वो आप सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ मतलब कैली के बारे में बात कर रहे हैं। कैली में भी चेंजेस आएंगी, जब कैली तो स्विफ्ट आएगी उसमें कुछ चेंजिंग होंगी, ये नहीं बताया गया कि उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने देखा कलारी पर क्लिक किया क्लासिक में, लेकिन नहीं आया कैरी जो मतलब कलारी है सॉरी, वो नहीं आया। और इसी के साथ ट्रेनिंग रूम पर मैं क्लिक करता हूँ तो नहीं वो खुलता, जबकि कस्टम रूम पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो कस्टम रूम खोल जाता है। तो देखो, मैं टैप कर रहा हूँ बार बार ट्रेनिंग रूम पर, वो नहीं खुलेगा, क्योंकि वो कभी भी नहीं खुलने वाला आज के दिन, क्योंकि वो 28 फेब को खुलने वाला है, क्योंकि फ्री फायर ने आपको बता दिया था कि ये जो है 28 फेब को खुलेगा। तो यहाँ पे लिख दिया है फुल मैप ओपनिंग सून कलारी, जो कि 28 तारीख को खुलेगा। नीचे लिखा हुआ ट्राई द मैप आउट व्हेन इट्स फुली ओपन ऑन 28 फेब 2020। तो उसके बाद जो राइट साइड में है इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग मोड के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या होगा, उस पर मैंने मेरी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाकर देख लो, मेरे चैनल को विजिट करो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इससे आपको पता चल चुका होगा कि जो आपका ट्रेनिंग रूम है और इसी के साथ आपका जो कलारी मैप है वो आपका खुलेगा 28 फेब को। ठीक है, ये गारंटेड बात है कि 28 फेब को खुलेगा। और उसके बाद दोस्तों, एक चीज़ जिसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार, ये जो अगर आप मतलब आपका जो करेक्टर है उसके अगर आपके पास फ्रेगमेंट्स पूरे हो जाएँ, उसके बाद क्या जाता है, वो यूनिवर्सल फ्रेगमेंट्स टाइप की कुछ चीज़ आ जाती है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो कि यहाँ पे अलॉक के मेरे पास फ्रेगमेंट्स पूरे हो गए, 4000 के 4000 पूरे। अब मेरे पास कॉइन नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ख़रीद नहीं सकता, इसको अपग्रेड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल फ्रेगमेंट्स नाम की कुछ चीज़। तो गाइज़, आप में से किसी को अगर पता हो इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे ही पता चल सके कि ये चीज़ क्या है। दोस्तों, उसके बाद जो सर्फ बोर्ड है वो तो आपकी गेम में के अंदर आ चुकी है, और इसके बाद फ्रेंड्स में जो पिन करने वाला ऑप्शन होता है वो भी मैंने कर रखा है, FB मनान और इसके नीचे W2 आकाश को, इन दोनों फ्रेंड्स को मैंने पिन कर रखा है। तो जैसे ये ऑनलाइन होंगे तब मेरे पास ये आ जाएंगे। उसके बाद आप फ्रेंड रिक्वेस्ट में देख सकते हो न्यू ऑप्शन बना हुआ है फ्रेंड रिक्वेस्ट का, और उसके नीचे है ब्लॉक लिस्ट। अगर आप किसी को ब्लॉक कर देते हो तो उसके बाद उसकी रिक्वेस्ट नहीं आएगी आपके पास कभी भी। ठीक है, आपको मतलब उसकी रिक्वेस्ट है, मतलब बार बार नहीं आएगी। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा वाला मतलब इन्होंने निकाला है फंक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट रॉयल पास इलाइट पास आ रहा है सॉरी, वो मतलब कब आएगा, वो जब ये ख़त्म होगा उसके बाद ही आएगा, जाहिर सी बात है। उसमें ये आपको दो कॉस्ट्यूम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये कॉस्ट्यूम अगर आपने को परचेज़ करना हो तो आप ज़रूर कीजिएगा, ये कॉस्ट्यूम दोनों आपको उस इलाइट पास के अंदर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।